नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको इस रिश्ते का फ्यूचर बताने वाली हूँ कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं कि क्या है फ्यूचर इस रिश्ते का। आप जिस रिश्ते में हैं, आपके पार्टनर और आप, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है तो हम वो देखेंगे, ठीक है। ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं, इसमें से क्या निकल के आता है। तीन कार्ड लेंगे हम इसमें से। वाह, कार देख रहे हो आप? वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं। और ये जो कार्ड है, अभी शायद ये रिश्ता खत्म है ऐसा लग रहा है। अभी इस रिश्ते को बहुत सारी गलतियां एक दूसरे की दिखाई दे रही हो, या ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए खत्म हो गया है, या इस प्यार को खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्यार को खत्म कर दिया है, या इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, कुछ इस तरह से। अभी तो बहुत बड़ा, मतलब इसमें एक ऐसा कुछ चल रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि संभावना है कि सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। जजमेंट, ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर कार्ड आया है। ये शिव शक्ति का कार्ड है। और यहाँ पे टेम्परेंस है, ये टेम्परेंस है, ये द वर्ल्ड है, ठीक है। तो क्या कह रही है, ये शिव शक्ति का कार्ड भी है। आप जिस रिश्ते में हैं, जैसा कि मैं अपने चैनल पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चेक करती हूँ, और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए ये जो कार्ड है, ठीक है, जस्टिस, तो आपको आपकी हीलिंग चल रही है इस टाइम। आपके अंदर जो आपने काम करना था वो काम आप कर चुके हैं, और बहुत से लोगों का रह गया है करना, जो कि इसी साल के अंदर वो पूरा हो जाएगा आपका काम। धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे शिव की एनर्जी भी नज़र आ रही है इस कार्ड से। हो सकता है नींद के द्वारा, सपनों के द्वारा आपको कोई शिव का कोई मैसेज, या सपने में शिव का आना, या शिवलिंग का दिखाई देना इस कार्ड से मुझे ये यहाँ पे सुनाई दे रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आप देखना, आपके साथ ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्यूचर में आप जैसे जैसे ही आप इस रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, भगवान के रास्ते से आप जुड़ेंगे, और ज़्यादा भगवान के साथ एक होते चले जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, ठीक है, और दूसरों के प्रति भी आएगा, और अपने लिए भी प्यार आपका जागेगा, ठीक है। लेकिन शिव की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है इस कार्ड से। और क्या है इस एनर्जी, देखिए फ्यूचर में तुम दोनों एक होने वाले हो, ठीक है। ये फ्यूचर इस साल के एंड तक आपको पता चलेगा इस प्यार के रिश्ते के बारे में, और आपके पार्टनर के बारे में, कि ये प्यार ने हम कहाँ से आए थे, किस तरह से हमने इस रिश्ते को उठाया ऊपर, और ये अब कितना ग्रो कर रहा है, कितनी इसमें इसमें प्यार आ रहा है, आप देख पाएंगे। क्योंकि जब आप दोनों एक होएंगे, तभी ये ज़िंदगी और आगे चलने वाली है, तभी पूरी की पूरी दुनिया चलने वाली है। शायद तुम्हें बहुत अच्छे काम करने हैं, लोगों का भला करना है, लोगों के साथ जुड़ना है, और भी कुछ। भला ऐसा ही नहीं होता कि टैरो कार्ड से भला हो रहा है, या कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं तब भला हो रहा है। भला किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। किसी की मदद करना, दोनों साथ मिलके मदद करना, किसी इस पूरी दुनिया की सेवा, समाज सेवा करना, इस तरह से एनर्जी मुझे आ रही है। और ऐसी ही आपकी सोच है, और यही फ्यूचर में आप करने वाले हो। रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में। और देख लेते हैं इन तीनों कार्ड को शफल करके कि क्या है इनकी एनर्जी, ठीक है। वीडियो आपसे मैच करता है, आपने जय माता दी लिखना है कमेंट में। देखिए ये कार्ड रिवर्स आया है, ठीक है। तो इस कार्ड का मतलब यही है कि थर्ड पार्टी, आपको फर्क तक नहीं पड़ता है कि थर्ड पार्टी है कौन। फ्यूचर में आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। आपको जस्टिस मिल जाएगी। ये देखिए जस्टिस का कार्ड है,
आप देख पा रहे हैं, थोड़ा इधर कर देती हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल लगाया है तो लाइट की रोशनी पड़ रही है। ये इस आपको प्यार में जस्टिस मिलने वाली है, शिव और शक्ति का मिलन होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो वर्ल्ड का कार्ड है ये, और ये भी वर्ल्ड का कार्ड है। तो सभी भगवान मिलके आप आपके रिश्ते पे नज़र है, उनकी सभी देख रहे हैं इस रिश्ते को, आपकी प्रॉब्लम को सब देख रहे हैं, आप कितने परेशान रह चुके हैं और अभी भी आप कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते से चली जाएगी फ्यूचर में। देखिए मैं ले नहीं रही थी इस कार्ड को, फिर ये गिरा है नीचे, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा दोनों ही कार्ड भगवान से जुड़े हुए हैं, इधर विष्णु भगवान बने हुए हैं और इधर ब्रह्मा बने हुए हैं और इधर विष्णु भगवान की यहाँ पे इमेज बनी हुई है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 2023 आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल होगा, चेंज आएगा उसमें, इतना पावरफुल चेंज आएगा कि आप दोनों का जो एक होना है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक होगा। बहुत से ट्विन फ्लेम की शादी होगी 2023 में, ठीक है। बहुत से ट्विन फ्लेम बहुत दिनों से अलग हैं, ये जैसे कि कार देख पा रहे हैं, वो एक होंगे, ठीक है। उनको जस्टिस मिल जाएगी, शांति आएगी उनके मन में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी अगर होगी भी, जैसे कि कोई भी हो गया थर्ड पार्टी में, कोई भी आ जाता है, ठीक है, जो इस रिश्ते में के बीच में आते हैं, तो फ़र्क तक नहीं पड़ने वाला है, ना ही आपको ना ही आपके पार्टनर को। उन्हें सिर्फ अपना प्यार दिखाई देगा, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई देगी। ये जर्नी, जो भी इस जर्नी में है, ये पवित्र रिश्ता है, ठीक है। किसी और के बारे में ये इंसान सोच भी नहीं सकते जो ये रीडिंग देख रहे हैं। एक कार्ड और ले लूंगी और मैं रीडिंग यहाँ पे ख़त्म कर दूंगी। सबका अपना अपना तरीका होता है। ये कार्ड निकल के आ रहा है, देखते हैं। हीलिंग करते रहिए, मेडिटेशन। अब आपकी शायद ये वाली भी, ये फ्यूचर में ये चीज़ें भी आपकी ख़त्म होंगी। बहुत तेज़ बोलना, चक चक करना, बिन मतलब की बातें आप पकड़ के बैठी रहती थी, वो भी आपकी बदल जाएंगी, ठीक है। और आप सबको, आप ऐसी स्थिति में भी आ जाएंगे फ्यूचर में कि आप अपने हाथों से जो चाहते हैं वो कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को भी आप पूरा कर पाएंगे। इतनी अवंडेंस आपके पास आ जाए, पैसे आपके पास इतने हों, और ये आप कर पाएंगे फ्यूचर में। जो आप करना चाहते हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आप कर पाएंगे। देखते हैं और क्या एनर्जी है। देखिए हम कार्ड जो लेंगे, बस एक इसको क्लियर कर देते हैं कि क्या कार्ड है। देखिए ये जो एम्प्रेस है ये, ठीक है, ये मदर है, यहाँ पे मदर की एनर्जी है। आपके डीएम को कोई मदर ने रोका हुआ है। देखिए अब फेज शुरू होने वाला है। अब ये रीडिंग जब से आप देख रहे हैं, 0 पॉइंट की एनर्जी है, यानी कि आज से ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन संगीत की दुनिया में इतना खो जाएंगे, आपको लेके ही सोचेंगे, आपके बारे में ही गाने वगैरह सुनने वाले हैं, सोशल मीडिया पे डालेंगे, ठीक है। जब तक आप दोनों एक नहीं हो जाते, उनका यही हाल रहने वाला है। और ये होगा 2023 में, दिसंबर के महीने से शुरू हो जाएगा। 23 में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रीडिंग यही कह रही है, बाकी आपसे कितनी मैच की है ये आप देख लेना। और हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे मुझे रीडिंग करनी है, आप मुझे बता देना, तो मैं आपके लिए रीडिंग ले आऊँगी, ठीक है। और हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।